नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। बंगाल के अंदर चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है और तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन बंगाल की लड़ाई जीतेगा कौन, ये कसमकस, ये सवाल हर व्यक्ति के जहन में बरकरार है। तो थोड़ा आज इसी पे एक अध्ययन कर लेते हैं कि बंगाल की लड़ाई आखिर कौन जीतेगा। अभी हमारे पास कोई सर्वे नहीं है, जनता से हम लोग ने बात नहीं किया, लेकिन पूर्व में जो कुछ भी बंगाल के अंदर हुआ है उसके आधार पर एक प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है कि बंगाल में आने वाले समय में क्या होगा। भाजपा की जो स्थिति 2021 के पहले बंगाल में रही उस पर थोड़ा सा नज़र फेर लेते हैं, और टीएमसी की जो स्थिति रही 2021 के चुनाव के पहले उस पर भी थोड़ा सा एक नज़र फेर लेते हैं, और दोनों का एक कंपेरिजन देखते हैं कि क्या ये कहा जा सकता है कि बंगाल की लड़ाई भाजपा के लिए कितनी ज़्यादा कठिन है, क्या भाजपा बंगाल जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, इन चीज़ों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो अनुमान लगाया जा रहा है ये केवल स्टैटिक्स पे है, केवल डेटा पे है, इसमें कोई सर्वे और कोई ऑडियंस पोल नहीं लिया गया है। ये चीज़ मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ। जो डेटा है, जो फैक्ट है, आप सब लोग के सामने रखते हैं और आप लोग खुद डिसाइड करिए क्या भाजपा बंगाल की लड़ाई जीत पाएगी कि नहीं। लगभग 20 से ज़्यादा सांसद और विधायक टीएमसी छोड़ के भाजपा में जा चुके हैं, जिसमें से शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी और पूर्व सांसद सुनील मंडल और राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी जैसे कुछ नेता महत्वपूर्ण हैं, जो कि टीएमसी पार्टी के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण पद रखते थे। ये सभी लोग छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन जो असली लड़ाई है बंगाल के अंदर टीएमसी और भाजपा के बीच में, भाजपा लगातार ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम बंगाल के अंदर हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं बंगाल के अंदर, और जिस तरीके से टीएमसी की जो प्रमुख हैं ममता बनर्जी और बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो जिस तरह से अपना प्रदर्शन कर रही हैं टीएमसी के अंदर, इसके पहले दो बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, क्या ये तीसरी लड़ाई भी वो जीत पाएंगी कि नहीं, इन सभी चीज़ों पे एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोग को बताना चाहूँगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 43% लोग ममता बनर्जी के फेस पर वोट दिए थे और 33% लोग प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर वोट दिए थे। CDS के सर्वे की बात की जाए तो 43% लोग ममता बनर्जी के फेस पर वोट दिए थे और 37% लोग प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर वोट दिए थे। ये जो डेटा है 2019 लोकसभा चुनाव का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या था, भारतीय जनता पार्टी का एक बूम था, प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े चेहरे थे और पूरे देश से जनसमर्थन उनको मिला हुआ था। तो ये स्टैटिक्स उस समय का है। उसके बाद आपको बताते हैं जो परिणाम रहे, भारतीय जनता पार्टी 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें बंगाल में जीती, और ये पहली बार हुआ था बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीती। तो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं इसी आधार पर ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2021 की जो लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगी और वो लड़ाई जीत जाएगी। लेकिन इसके आगे थोड़ा स्टैटिक्स समझते हैं और फिर बात करेंगे। CDS की सर्वे की बात करें तो 31% लोग जो बंगाल में वोट डाले थे वो केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वोट डाले थे, उनमें बंगाल का कोई फेस नहीं था, कोई वो अपने जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उनको देख के वोट नहीं डाला गया था, केवल वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वोट डाला गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है बंगाल के अंदर वो ये है कि उनके पास कोई बंगाल में फेस नहीं है, कोई फेस नहीं है बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। इसके साथ साथ ये भी समझिए, तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल की पार्टी है, जो लगातार दो बार सत्ता में रही, तीसरी बार फिर से लड़ाई है, उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन जो था वो 2011 में था। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने 48.3% वोट लेकर रिकॉर्ड बना दिया था, सबसे ज़्यादा वोट शेयर टीएमसी को 2011 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। उसके बाद ये जो वोट शेयर था 2014 के लोकसभा चुनाव में कम हुआ, इसमें 39.3% वोट
रह गया टीएमसी का, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 17.2% था 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो ये 2014 के लोकसभा की बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब 2016 में विधानसभा चुनाव आया फिर से बंगाल के अंदर, उस समय भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हुई थी? उस समय भारतीय जनता पार्टी जो थी मात्र उसका वोट शेयर 10.16% था, टीएमसी का जो वोट शेयर था वो 44.9% था। मतलब विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो लोग हैं मोदी को अपना फेस समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को अपना फेस समझते हैं, अपना लीडर समझते हैं और तृणमूल कांग्रेस को वोट डालते हैं। तो ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक स्टैटिक्स और है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। 294 सीटें हैं कुल बंगाल के अंदर, जीत के लिए चाहिए 148 सीटें पूर्ण बहुमत के लिए। तो इस लड़ाई में एक देख लिया जाए, एक स्टैटिक्स है जो कि सीडीएस के हवाले से ही निकला था, बंगाल के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव में जो तृणमूल कांग्रेस है वो 164 विधानसभा खंडों में लीड कर रही थी और जो भारतीय जनता पार्टी है वो 121 विधानसभा खंडों में लीड कर रही थी। इसका मतलब क्या है, अगर जो लोकसभा चुनाव हुआ वो विधानसभा चुनाव हुआ होता तो 164 विधानसभाओं पे टीएमसी जीत दर्ज करती और 121 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती। तो ये एक स्टैटिक्स है। तो अगर ये चीज भी देखा जाए, इस मसौदे पे भी बात किया जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है। उसे बहुमत पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये नहीं लगता कि 2021 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी और वो बहुमत के आंकड़े को पार कर पाएगी, एक चीज। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा भी पहलू है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है और वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है, उससे कुछ भी कहना अभी सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पहली चीज। और आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में बेतहाशा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव आए वो गर्त में चली गई। 50% वोट शेयर से 15% वोट शेयर तक भारतीय जनता पार्टी आई है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे दिल्ली में ही आप सब लोग देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया भारतीय जनता पार्टी मात्र 7 सीटों में सिमट गई। तो ये स्टैटिक्स हैं, ये आधार है, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो फेस होते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं और लोग उनके फेस पे वोट डालते हैं, लेकिन जैसे ही बात विधानसभा चुनाव की आती है फेस जो होता है वो चेंज हो जाता है और जो लोग होते हैं वो अपने जो गृह मुद्दे होते हैं उसको लेकर वोट डालते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर बहुमत से बहुत दूर है और यही बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसके पास कोई फेस नहीं है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।